साल 1979 की बात है। एक शाम 6 बजे के करीब एक किसान इटावा जिले के उसराहार थाने में मैला कुचेला धोती कुर्ता पहने पहुंचा। वो अपने बेल चोरी की रपट लिखाने यहाँ आया था। सिपाही ने इंतजार करने को कहा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद किसान ने रपट लिखने की गुहार लगाई, लेकिन सिपाही ने अनसुना कर दिया। और ऐसा तो होता ही अक्सर, जितनी आपकी सामाजिक आर्थिक हैसियत उतनी आपकी सुनवाई। थोड़ी देर बाद सिपाही ने आकर कहा, चलो छोटे दरोगा जी तुम्हें बुला रहे हैं। दरोगा जी ने पुलिस के अंदाज में 4 आड़े टेढ़े सवाल किए और बिना रपट लिखे ही किसान को चलता किया। जब वो किसान थाने से जाने लगा तो पीछे पीछे सिपाही आया और बोला, थोड़ा खर्चा पानी दो तो रिपोर्ट लिख दी जाएगी। अंत में 35 रुपये की रिश्वत लेके रपट लिखने का काम तय हुआ। थाने के उसी कमरे में बीच में दरोगा की मेज और 3 कुर्सियां लगी थी और एक कोने में लिखिया मुंशी की चौकी थी। रपट लिख के मुंशी ने किसान से पूछा, बाबा हस्ताक्षर करोगे या अंगूठा लगाओगे? किसान ने हस्ताक्षर करने को कहा तो मुंशी ने दफ्ती आगे बढ़ा दी जिस पर FIR लिखा था। किसान ने अंगूठे वाला पैड उठाया तो मुंशी सोच में पड़ गया कि ये टोकरा हस्ताक्षर करने की बात कह रहा था और ये अंगूठा लगाने की स्याही का पैड क्यों उठा रहा है। किसान ने हस्ताक्षर के नाम पर लिख दिया चौधरी चरण सिंह और मेले कुर्ते की जेब से मुहर निकाल कर कागज पर ठोक दी जिस पे लिखा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देखकर पहले मुंशी उछल गया, फिर दरोगा, फिर हड़कंप मच गया। असल में ये मेले कुर्ते वाला बाबा किसान नेता और उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, जो थाने में किसान की सुनवाई का औचक निरीक्षण करने आए थे। अपनी कारों का दस्ता काफिला थोड़ी दूर खड़ा करके कुर्ते पे थोड़ा मिट्टी डाल के आए थे। उसराहार का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद तो हड़कंप मच गया, बात फैलती गई, सिस्टम सुधरता गया। आज आवश्यकता है ऐसे युग पुरुष की और इसी तरह के औचक निरीक्षण की। नमस्कार, मेरे यानी विष्णु कुमावत के साथ द विंडो के स्पेशल सेगमेंट में आप किस्सा कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। ये कहानी आपके लिए हमारे एक साथी महेश चौधरी ने लिखी है, जिसमें आज बात होगी किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह की। साल था 1902, दिसंबर महीने की 23 तारीख को चौधरी मीर सिंह और नेत्रा कौर के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा मामूली काश्तकार के घर आया तो बड़ा मामूली तरीके से था, लेकिन उस मामूली बच्चे के हमारे इस किस्से में होने से हमारा ये एपिसोड अब मामूली नहीं रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले के नूरपुर गाँव में एक मध्यम वर्गीय कृषक परिवार में चौधरी चरण सिंह ने जन्म लिया। पुरखे वल्लभगढ़ के निवासी थे, जो कि वर्तमान में हरियाणा में आता है। दादा 1957 की क्रांति में महाराजा नाहर सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे। ब्रिटिश हुकूमत ने नाहर सिंह को दिल्ली के चांदनी चौक पर फांसी पर चढ़ा दिया तो दादा मेरठ आकर रहने लगे। यहाँ पिता 5 एकड़ ज़मीन के जोदार थे, मतलब एक किराएदार किसान। पिता चरण को पढ़ा लिखा कर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई में उतारना चाहते थे, इसलिए आर्थिक तंगी में भी खूब पढ़ाया। विज्ञान में स्नातक, इतिहास में स्नातकोत्तर, फिर वकालत की पढ़ाई करके 1928 में गाज़ियाबाद में वकालत करने लगे। चरण अब कबीर और गांधी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। पढ़ाई के दौरान जातिगत भेदभाव के सख्त खिलाफ था। हॉस्टल में रहा तब भी सफाई करने वाले हरिजन समुदाय के लोगों के साथ बैठकर खाना खाया करता था। साल 1929, अब चरण ने मन बना लिया था कि वो आज़ादी की लड़ाई में कूदेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया और 27 बरस के चरण ने गाज़ियाबाद में कांग्रेस कमेटी की स्थापना की और कूद गए स्वतंत्रता संग्राम में। चरण के लिए सफ़र आज़ादी इतना आसान नहीं था। इस लड़ाई में वे 3 बार जेल गए। साल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए 6 महीने गए। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1 साल और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में 15 महीने जेल में रहे। पढ़ने लिखने में रुचि के चलते जेल में रहते हुए 2 जेल डायरियां लिखी और शिष्टाचार नामक एक किताब लिखी। जेल में आने जाने का दौर अभी थमने वाला नहीं था।
साल 1937 देश में पहली बार चुनाव हुआ। इसके लिए 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारतीयों को प्रांतीय शासन में प्रबंधन का अधिकार दिया था। 34 बरस के चरण ने अब असल चौधरी बनने का मन बना लिया था। कांग्रेस से मेरठ की छपरौली विधानसभा सीट से विधायक चुनकर आए भूमिहीन और कर्ज के बोझ में दबे किसानों के प्रति कुछ करने की लालसा से 1938 में कृषि उत्पादन बाजार बिल और 1939 में किसान कर्ज माफी बिल लेकर आए, जिसने उस वक्त की ब्रिटिश सरकार और साहूकारों की प्रताड़ना से किसान को भारी राहत दिलाई। इन बिलों की चौतरफा प्रशंसा हुई और बाद में लगभग सारे प्रांतों की सरकारें ये बिल लेकर आई। इस तरह चौधरी चरण सिंह अब किसानों और ग्रामीणों के हित रक्षक के रूप में जाने जाने लगे। किसान हितेशी ये चेहरा जितना कर रहा था उससे कहीं ज़्यादा करने की सोच मन में लिए बैठा था। इसकी समझ और सहमति इतनी गहरी थी, इसे समझने के लिए उनका एक लेख है 1947 में जो लिखा गया है, वो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिसमें लिखा है, सरकारी सेवाओं में किसान संतान के लिए 50% आरक्षण क्यों, जरूर पढ़ना चाहिए। 1937 के बाद 1946, 1952, 1962 और 1967 में विधानसभा में अपने निर्वाचन क्षेत्र छपरौली भागपत का नेतृत्व किया। वे 1946 में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में संसदीय सचिव बने। राजस्व, चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य, न्याय, सूचना इत्यादि विभिन्न विभागों में कार्य किया। जून 1951 में उन्हें राज्य एवं कैबिनेट मंत्री के रूप में न्याय तथा सूचना विभागों का प्रभार दिया गया। बाद में 1952 में वे डॉक्टर संपूर्णानंद के मंत्रिमंडल में राजस्व एवं कृषि मंत्री बने। जमींदारी प्रथा उन्मूलन बिल, जिसमें जमींदारी प्रथा से मुक्ति दिलाई गई और जमीन जोतने वालों को ही जमीन का मालिक बनाया गया। 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण बिल, जिसे भूमि हदबंदी या जोत अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, इससे अधिकतम जमीन रखने वालों की सीमा तय कर दी गई, जिससे भूमिहीन किसानों और कृषि श्रमिकों को भी जमीन पर मालिकाना हक मिल सका। इसके अलावा बहुत सारे भूमि सुधार एवं किसान हितैषी काम करने के चलते चौधरी चरण सिंह किसान मसीहा की छवि पाने लगे। अप्रैल 1959 में जब उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, तब वे राजस्व एवं परिवहन विभाग में मंत्री थे। इसके बाद 1960 में सी.बी. गुप्ता की सरकार में वे गृह मंत्री एवं कृषि मंत्री और 1962 से सुचेता कृपलानी के कैबिनेट में वे कृषि एवं वन मंत्री रहे। जातीय ग्रेडेड इनइक्वेलिटी होती है, इसको वे अच्छे से जानते थे और दलित और अति दलित के फर्क को भी समझते थे। और इसलिए जब 1952 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन बिल लाने के बाद पटवारियों ने विरोध में इस्तीफे दिए, तो उन्होंने हजारों लेखपालों की भर्ती की, उसमें हरिजनों को 16% आरक्षण दिया। याद रहे कि यह वो समय था जब वर्तमान आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं हो पाई थी। ऐसे में उनका मजबूती से निर्णय लेना बहुत लोगों के मस्तिष्क में बनी हुई उनकी उस छवि के बिल्कुल विपरीत था, लेकिन उनके आदर्शों के बिल्कुल अनुकूल था। वे राजनेताओं, सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों के जातीय सभाओं एवं महासभाओं में जाने और उनका हिस्सा बनने के सख्त खिलाफ थे। साथ ही जाति के नाम पर बनी संस्थाओं के इतने धूर विरोधी थे कि उन्होंने बतौर कैबिनेट मंत्री ऐसी संस्थाओं का अनुदान ये कहते हुए रोक दिया था कि जब नाम से जाति नहीं हटाओगे तब तक अनुदान नहीं मिलेगा। इन संस्थाओं में उनकी जाति के नाम पर भी बनी संस्थाएं थीं। इनमें से मेरठ के जाट कॉलेज के प्रतिनिधि जब उनसे मिलने आए तो उनको फटकार लगाई गई और जाति के नाम से दोबारा नहीं आने का साफ संदेश दिया गया। वो अपने आदर्शों के पक्के थे, चाहे कितना भी विरोध झेलना पड़े। अंततः सबको अपने नाम बदलने पड़े और फिर अनुदान से हाथ धोना पड़ा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में गहरी जमी ब्राह्मणवादी जड़ों के चलते उनके साथ लगातार हो रहे भेदभाव और अनदेखी से दुखी होकर उन्होंने भारी मन से 1967 में कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय क्रांति दल BKD के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसने जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी एवं स्वतंत्र पार्टी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। चरण सिंह गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री बने, जो 2 साल तक ही चल पाई। गठबंधन टूट गया कांग्रेस विभाजन के बाद। फरवरी 1970 में दूसरी बार वे कांग्रेस पार्टी के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हालांकि राज्य में 2 अक्टूबर 1970 को राष्ट्रपति शासन लागू होने के चलते इस बार भी ज़्यादा दिन सरकार नहीं चला पाए।
उन्हें किसान वर्ग में हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए भी जाना जाता है। कबीरपंथी होने के नाते धार्मिक सहिष्णुता और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को वो अच्छे से समझते थे। उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान 1967 में जब देश भर में सांप्रदायिक दंगे हुए तो देश के सबसे बड़े प्रांत में उन्होंने एक भी जगह दंगा नहीं होने दिया। ये उनकी ही विरासत थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों में लंबे समय तक सांप्रदायिकता नहीं फैली। हालांकि पिछले दो दशकों में हाल अलग हो गए हैं, अब समय आ गया था उनके फिर से जेल जाने का। वे शुरू से ही इंदिरा के आलोचक थे और धूर विरोधी थे, और 1970 के बाद वे केंद्रीय राजनीति में गैर कांग्रेसी पार्टियों को उनके खिलाफ एक करने में लग गए थे। बढ़ते विरोध को देखते हुए इंदिरा ने आपातकाल लगाकर देश के तमाम बड़े विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया। इसमें चरण सिंह भी शामिल थे। आपातकाल हटने पर देश की पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चरण सिंह पहले गृह मंत्री, बाद में वित्त मंत्रालय के साथ उप प्रधानमंत्री बने। इस दौरान उन्होंने किसान बहुजन हित के कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिसमें विभिन्न प्रकार की कृषि सब्सिडी देना, नाबार्ड की स्थापना, अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना और सबसे महत्वपूर्ण मंडल कमीशन बनाना। लंबे समय तक शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिसको मोटे तौर पर देश की आबादी का 54% माना गया है, उसकी सामाजिक न्याय की गुहार आखिर सुनी गई। हालांकि कमीशन की रिपोर्ट आते आते हालात बिल्कुल बदल गए थे और लंबे समय तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही, जिसके बाद चरण सिंह की ही विरासत वाली जनता दल की सरकार जब दोबारा बनी तब इसको लागू किया गया। बदले राजनीतिक समीकरणों में 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह समाजवादी पार्टी तथा कांग्रेस यू के सहयोग से प्रधानमंत्री बनने में सफल हुए। कांग्रेस ई और CPI ने बाहर से समर्थन दिया, मतलब अपनी धूर विरोधी इंदिरा के समर्थन से प्रधानमंत्री बने। लेकिन बहुमत साबित करने के पहले ही इंदिरा ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, जिसके चलते चरण सिंह बिना संसद का सामना किए ही इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए। बताया जाता है कि इंदिरा के समर्थन वापसी का निर्णय चरण सिंह के द्वारा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके घर आकर धन्यवाद नहीं देने के चलते नाराज होकर लिया गया था। ये भी बताया जाता है कि इस मामले में चरण सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी और इंदिरा गांधी को संजय गांधी ने मिसगाइड करने का काम किया था। कुछ भी हो, लेकिन एक बार फिर वे चालबाजी के जाल में फंसकर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। किसान बहुजन हितैषी आवाज़ कभी संसद में नहीं गूंजी। मध्यवर्ती चुनाव जीतकर इंदिरा प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस चरण सिंह के प्रति ज़्यादा हमलावर होती गई। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई और शुरुआती कुछ वर्ष तक BJP ने भी चरण सिंह के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू किया। राजनीतिक कारणों के चलते जहां विरोधी दल उनको बदनाम करने में लगे थे, वहीं लगातार किसान बहुजन हितों की लड़ाई वे लड़ रहे थे। काशीराम के साथ व्यापक बहुजन एकता के प्रयास किए, जो काफ़ी हद तक सफल रहे। बहुत कुछ प्रयास चल ही रहा था कि 29 मई 1987 को 84 वर्ष की आयु में वे चिर निद्रा में लीन हो गए। कभी गांधी की प्रेरणा से राजनीति में आने वाले, ताउम्र गांधी टोपी पहने रहने वाले, कबीरवाणी को जीवन में उतारने वाले, JP के अग्रणी सेनानी बनने वाले, नेहरू के युग में कांग्रेस में रहते हुए राम मनोहर लोहिया के समाजवाद को मानने वाले चरण सिंह किसानवादी, बहुजनवादी, समाजवादी राजनीतिक सोच के एक अतुल्य संगम थे, जिसका फ़ायदा ये देश कभी उतना नहीं उठा पाया जितना उठा सकता था। चौधरी चरण सिंह से जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरह के किस्से अगर आप लगातार सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी किस्सा कहानियाँ आप तक पहुँचते रहें। शुक्रिया।